ऑडियो तैयार करने के मामले में हरियाणा का वन मैन आर्मी आर्टिस्ट, जो कि लिरिक्स, सिंगिंग, म्यूजिक, मिक्सिंग, मास्टरिंग खुद तय कर ले वह है और एक बढ़िया लेवल पर कर ले वह है। मैं बात कर रहा हूँ अमनराज गिल की। काली वो गाड़ी रखे काले से शीशे उसके, जिसके गाने में आजकल पिस्टल और बदमाशी से की एक अलग तरीके से बात होया करे और अपनी अलग सी वाइब में। बार कदे भीतरे सारे उगे मित्रे छटा होया सुनया बदमाश वो। और जो अमनराज भाई ने सुनते होगे उन्हें बेरा भी होगा मैं किस वाइब की बात कर रहा हूँ। वह बोल के ना बताई जावे और सुनने वाले अमनराज ते थोड़ी ही बदमाशी और रोमांटिक की वाइब का मिक्सचर चावे है और वो इस पे खरिया उतरन लाग रहा है। 4-5 महीने पहला आया गाना यार बदमाश भी इससे डाल का था, जो कि ठीक चल लिया। बदमाश मगा सारे के सारे खास हैं। 1.5-2 महीने पहला आया गाना बदमाश पक्का भी इससे डाल का था। तन्ने जो डिंडारी मा एक नंबर गुंडारी मा काम ना उसका कोई भी अच्छा से, जो कि इंस्टाग्राम की रील्स पे तो बढ़िया चल रहा है और 50-60 हज़ार रील्स बन ली। और इब एक गाना उड़ान लग रहा है जिसका नाम है काली राइफल और अंदाजे से तय इस गाने की लिरिक्स भी थोड़ी ही इससे डाल की हो सके है। बाकी गाना रिलीज होने के बाद बेरा लगेगा। इस गाने में लिरिसिस्ट, सिंगर, म्यूजिक प्रोड्यूसर अमनराज भाई ये है और मेरे ख्याल में अमनराज भाई का रैप भी देखने मिल सके है, क्योंकि आजकल के गाने में रैप भी सुनने मिल रहे है। यो गाना डायरेक्ट करया है संजू सहरावत ने, जिसने उसके शॉर्ट फिल्म साले यूट्यूब चैनल ते कुछ जने जानते होंगे। इस गाने में फीमेल लीड है कनिष्का शर्मा, जिसने कुछ और भी हरियाणवी गाने में काम करया है। यो गाना रिलीज होगा तमो रिकॉर्ड्स ते, जिस पर आजकल अमनराज गिल के सारे गाने रिलीज हुए है और हो सके है अमनराज भाई फिलहाल तमो रिकॉर्ड्स ते साइन भी हो रहा हो। गाने की रिलीजिंग डेट ही अनाउंस ना हुई है, पर एक अंदाजे से तय यो गाना मार्च के 42 में रिलीज होगा।